इस प्रकृति के तीन पड़ाव हैं, तीन कड़वे सत्य हैं। पहला, अगर इस पृथ्वी में कुछ बोया नहीं जाए तो इस पृथ्वी में घास फूस अपनी जगह बना लेते हैं। और आप लोग देखते होंगे बरसात के दिनों में किसी खेत में आप कुछ मत बोइए, फिर भी उसमें बहुत सारा घास फूस उग जाएगा। इस पृथ्वी में अगर आप बीज नहीं डालो तो घास फूस अपनी जगह बना लेते हैं। इसी प्रकार हमारे इस मस्तक में अगर हम सद्विचार, गोविंद की कथा, प्रभु का नाम सुमरण, ये अगर हम नहीं डालेंगे तो कुविचार, दुर्गुण, ईर्ष्या, कपट, द्वेष, छल छिद्र ये अपनी जगह बना लेंगे। दूसरा प्रगति का कड़वा नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। अगर आप किसी सुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो आपको सुख ही बांटेगा, दुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो आपको सर को खुजलाते हुए माथे के हाथ ला, अरे राम क्या करूं भैया बहुत दुखी हूं, आप तो विचार कर गए थे कि वहां जाऊंगा तो कुछ सांत्वना मिलेगी, लेकिन वहां आपको सांत्वना नहीं बल्कि उसके विचारों का, उसकी मानसिकता का प्रभाव जब आपके ऊपर हुआ तो आपको भी दुख हो गया। सुखी के पास जाओगे सुख देगा, दुखी के पास जाओगे वह आपको दुखी करेगा, भ्रमित व्यक्ति के पास जाओगे वो भ्रम में डालेगा, ज्ञानी के पास जाओगे तो वो आपको ज्ञान ही सिखाएगा। ये संसार का नियम है। भयभीत व्यक्ति के पास जाओगे तो वो आपको डराएगा, जिसके पास जो होता है वे वही बांटता है। और प्रकृति का तीसरा नियम है, जो मिला है उसको पचाना सीखे। गोविंद की आपके ऊपर अनुग्रह हुआ, कृपा हुई, आप धन संपन्न आदि से संपन्न हो गए, आपके पास पैसा बढ़ गया, अगर आप उसको नहीं पचा पाए तो आपका दिखावा बढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे आप अलग से दिखावा करोगे, पैसा ज्यादा बढ़ने पर दिखावा बढ़ जाएगा। अगर आपका पैसा नहीं पचता है तो दिखावा बढ़ जाएगा, भोजन नहीं पचता है तो रोग बढ़ जाएंगे, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ जाएगी, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ जाएगी, और सुख ना पचने पर जीव के पाप बढ़ने लगेंगे। इसलिए हम प्रयास करें जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम सत्संग करें। हमारे जीवन में जब संत का समागम होगा, सत्संग जब हमारे हृदय में आएगा, हमें परम संतोष प्राप्त होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।